हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। सो यार, आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी सेकंड इस वीडियो का स्किप नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने हैं जेईई मेंस के पेपर वाले दिन, क्या क्या चीजें कैरी करनी है, क्या नहीं कैरी करना, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको साथ में ले जाना है, जिसके बिना एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई प्लीज वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, बिकॉज एक छोटी सी गलती जो आपने 2 साल मेहनत करी है जिस पेपर के लिए, कोचिंग में इतनी फीस दी है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, दैट इज एडमिट कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर ही नहीं दे पाओगे। तो कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए आपको क्या करना है, 4 से 5 ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्ड कॉपीज अपने एडमिट कार्ड की निकाल लेना। इसकी जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन सेंटर पे। बच्चों का सवाल होता है कि कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी ले जा सकते हो, बट सारी डिटेल्स उसमें क्लियर होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको आपको घर से फिल करके जाना है। उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और आपका थंबप्रिंट लगेगा, तो वो घर से फिल करके ले जाना। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ओरिजिनल आईडी कार्ड। इसमें या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। इसमें देखो क्या करना है, और बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया क्या हम स्कूल का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं? नो, दैट इज नॉट अलाउड। ओरिजिनल आईडी कार्ड इन तीनों में से एक ले जाना है, या तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बिना गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी, गेट पे ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। और मेक श्योर हमारे रैंक बूस्ट का टेलीग्राम चैनल पक्का यार ज्वाइन कर लेना, उस पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जेईई मेंस एडवांस से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल डलता रहता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड पे आता है पासपोर्ट साइज फोटो। जब आपने जेईई मेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी थी, जो सेम पासपोर्ट साइज फोटो आपने उसमें यूज करी थी, सेम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है, बिकॉज वहां अटेंडेंस शीट मिलेगी, वहां आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना पड़ेगा, तो याद से इसे रख लेना। उसके बाद फोर्थ है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको एक वैलिड गवर्नमेंट अथॉरिटी से बना हुआ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना है, बिकॉज वहां वेरिफिकेशन होगी जिन बच्चों ने भी अपने फॉर्म में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फिल करा था। तो मेक श्योर सर्टिफिकेट ले लेना, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए, याद रहे। उसके बाद फिफ्थ पे है वाटर बॉटल। भाई कोई फैंसी वाटर बॉटल, मोटी ऐसी थर्मो स्टील की बॉटल, ये सब अलाउड नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना जिसमें आर पार दिखता हो, व्हाइट बॉटल ले लेना सही रहेगा, ठीक है, आप अंदर ले जा सकते हो। इसके बाद सिक्स्थ पे है ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड में सबसे पहले शूज की बात कर ले, तो जो आपके शूज होंगे उनकी सोल थिक नहीं होनी चाहिए, थिन सोल शूज होने चाहिए। और ड्रेस की बात करें ऊपर के, तो मोटी जैकेट्स नहीं होनी चाहिए, ठंड में पतली जैकेट पहन के जाओ, अंदर इनर पहन लेना, शर्ट टी शर्ट ये सब अलाउड है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली, जो स्वेटर पहनती है गर्ल्स, उनमें बड़े बड़े बटन्स नहीं होनी चाहिए, तो ये ड्रेस कोड है। अब डिस्कस करते हैं क्या चीजें नहीं कैरी करनी है, ध्यान से बिल्कुल देखना, आपको ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिजिटल वॉच नॉट अलाउड, बाहर ही निकाल देंगे वो लोग। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स कुछ नहीं ले जाना है, पेपर पेन कुछ नहीं ले जाना है, एक पेन ले लेना ट्रांसपेरेंट, वैसे आपको पेपर और पेन रफ वर्क के लिए वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलेगा। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, बाहर ही वो निकाल देंगे। चेन, ज्वेलरी, मेटल रिंग कुछ नहीं, अपने सारे अस्त्र और शस्त्र उतार के जाना, वहां अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे दूर से आते हैं वो बैग ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल, पैसे, मनी, ये सारी चीजें ले जा सकते हैं, ठीक है, बैग वो बाहर ही रखवा देंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पहला है एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये तो मस्ट है, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। एक ओरिजिनल आईडी कार्ड ले लेना, और तीसरी चीज है पासपोर्ट साइज फोटो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके जितने भी फ्रेंड्स आपके जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं उनको शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो रिकमेंड हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां इंपॉर्टेंट अपडेट्स डलते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ऑल द बेस्ट, पेपर फोड़ के आना है।